अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तुर्की का सबसे बड़ा मस्जिद, जिसका नाम है चामलेजा जामी। तुर्किश में इसका ये नाम है और वैसे इसको कहते हैं ग्रैंड मॉस्क, यानी सबसे बड़ा मस्जिद। ये मस्जिद जो है बहुत ही खूबसूरत है। आज कुछ दोस्त आए थे तो उन्होंने कहा कि हमें मस्जिद देखनी है, तो मैंने कहा आ जाए आपको ये मस्जिद दिखाते हैं। इस मस्जिद की सबसे ख़ास बात यह है कि ये तुर्की का सबसे बड़ा मस्जिद है। दूसरी ख़ास बात यह है कि ये 19 साल लगे थे इसको बनाने में। और तीसरी ख़ास बात यह कि दो फीमेल आर्किटेक्चर्स ने ये बनाया है, दो आर्किटेक्ट थे तो इन्होंने इस मस्जिद को डिज़ाइन किया है पूरा, और इसके ऊपर $110 मिलियन का खर्चा आया है। तो ये सबसे एक्सपेंसिव मॉस्क भी है। और अभी हम अंदर जाएंगे, इसमें 63,000 जो नमाजी हैं वो गुंजाइश है इसमें, मतलब 63,000 लोग इसमें नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं। तो सदर जो है तैयब अर्दोगान ने इसका इफ्तिताह किया था 2019 में, आज से 2 साल पहले ये ओपन हुआ था। तो अभी लेकर जाता हूँ आपको, ये मस्जिद अंदर से भी दिखाता हूँ, मुख्तलिफ इसी इसकी देखेंगे। फिर इस मस्जिद के साथ साथ जो है ना, ये पहाड़ी एरिया बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। और उसके साथ साथ ये अगर आपको दिखाएं हमारा कैमरामैन, ये शहर का व्यू आता है, जो बोस्पोरस का व्यू है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। और बेशकता डिस्ट्रिक्ट की जो स्काई लाइन है वो भी हम देख सकते हैं, और स्पेशली रात को जब आप आएंगे तो रात को ये बोस्पोरस का व्यू आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो आइए इस मस्जिद का विजिट करते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये अभी मस्जिद के अंदर आ गया हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये चामलेजा जामी जो है इसका अंदर का व्यू है ये। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही खूबसूरत जो है ये कारपेट बिछा हुआ है पूरे मस्जिद में, और नरम भी है। ऊपर जो आर्किटेक्चर है ये भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग अभी नमाज़ पढ़ रहे थे यहाँ पर, तो नमाज के लिए इकामत जो है ना ये पीछे वाली साइड पे होती है और मेहराब जो है वो इस साइड पे है। अभी भी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, और काफ़ी बड़ा एरिया है इसका अंदर जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। और ये ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर और भी फ्लोर्स हैं, तो जितने भी नमाजी होते हैं वो ऊपर वाले फ्लोर में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो वहाँ भी जगह है। तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है। तो व्यूअर्स, हमने ये चामलेजा जामी को विज़िट किया, सबसे बड़ा मस्जिद तुर्की का है। बहुत मज़ा आया, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, बाहर भी बहुत खूबसूरत है, और चारों तरफ जो है ना वो ग्रीनरी भी बहुत है, शहर का नज़ारा भी है। तो ऑल इन वन पैकेज है एक किस्म से। और हमारे साथ जो है हमारे दोस्त हैं, ये मलिक साहब हैं मुल्तान से, और ये अब्दुल्ला भाई आए हैं कराची से। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या व्यूज़ है, आपने इन मस्जिद को विज़िट किया तो कैसे लगा आपको? मैंने ये मस्जिद
विजिट की, बड़ा मज़ा आया। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है उन्होंने, बड़ा हमने इधर नमाज भी पढ़ी, बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत है। और सराउंडिंग के जो व्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ हैं सराउंडिंग के, बड़ा मज़ा आया इधर। अच्छा, रेकमेंड करेंगे पाकिस्तानी आते हैं, जो भी पाकिस्तानी इधर आते हैं वो अक्सर तकसीम आते हैं सुल्तान में बताते हैं, यहाँ पर नहीं आना था। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जो भी पाकिस्तानी इधर आते हैं वो यहाँ पर आएँ, विजिट करें और बड़ा मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। मलिक साहब की व्यूज़ ले लें ज़रा। हाँ, मैं ये कहूँगा कि बहुत पुरफिज़ा मकाम है ये, और जो भी आए और ख़ास तौर पर वो गर्मियों में आए, और गर्मियों में इतना मज़ा आएगा कि दुबाला हो जाएगा मज़ा उनका, मज़ा दुबाला हो जाएगा। और मस्जिद अंदर से बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी जगह है और बड़ी खूबसूरत जगह है, और कोई टिकट भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ से इधर का यूरोप का नज़ारा जो है ना वो बहुत दिल फ्रेम। यहाँ पे एक गैलरी भी है और किताबों की गैलरी है, उसके अलावा एक छोटा सा म्यूजियम भी है अंदर, हमने तो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन क्योंकि इसकी फ्लोर जितनी ज़्यादा है, पार्किंग अवेलेबल है नीचे। तो मेरे ख्याल से अगर आप, अच्छा, गूगल में सिंपली लिखे चाम ले जा जामी, ये नाम स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये गूगल मैप में लिखेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा, मतलब उसमें, और सीधा यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।